जयपुर के सर्व साधक लोगों को हमारा प्रणिपात। साधक वही होता है जो कुछ साध लेता है। जिसने कुछ साधा नहीं, सिर्फ मनोरंजन करता रहा, भजन गाता रहा, मंदिरों में घूमता रहा और उसी तरह से अपना सारा जीवन जिसने बिता दिया, उसने कुछ साधा नहीं। कुछ साधन ऐसा होना चाहिए जिससे आप परमात्मा से संबंधित हो जाएं, जिससे योग घटित हो जाए। और ये साधन परमात्मा ने पहले ही आपके अंदर बहुत सुंदरता से सजाया हुआ है। इस साधन का सिर्फ उपयोग करना, इतना ही मात्रे काम बच जाता है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं, उसके अंदर या उनके अंदर हर चक्र पे एक एक देवता विराजमान। हम गणपति को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गणपति हमारे अंदर भी विराजमान। हम विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी विष्णु दोनों को ही मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे हमारे अंदर विराजमान हैं। अभी जगदम्बा का जो भजन कहा गया, वो जगदम्बा भी हमारे अंदर विराजमान है। कल आपसे मैंने नाभि चक्र के बारे में बताया था। उस नाभि चक्र के चारों ओर जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो भवसागर तैयार हो गया, और इस भवसागर में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक महापुरुषों ने आदि गुरु से लेकर के आज तक जन्म लिए हैं, जिनके 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व हमारे मानव धर्म को बांधते हैं। ये मानव धर्म हमारे अंदर जैसे कार्बन के अंदर 10 वैलेंसी होती है, उसी प्रकार होते हैं। और ये सत्पुरुष सदगुरु अनादि काल से हमारे अंदर इस धर्म को सुसज्जित करते हैं, जिसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में या किसी गलत फहमी में पढ़ करके धर्म को अधर्म बना देता है। इसीलिए आज हमको धर्म में बहुत विकृति नजर आती है, और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं और परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। धर्म हमारे ही अंदर स्थित है, उसका अनेक प्रकार के से हम लोगों ने इन अवतरणों में परिचय पाया। जैसे श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के पुरुषोत्तम थे। एक शबरी जो कि बूढ़ा हो गई, उसने अपने दांत से कुरेच करके जो बेर तैयार किए थे उसको इतने प्रेम से खाया, इसमें बड़ा भारी धर्म नहीं था। और वो धर्म ये है कि प्रेम परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है,
वो मनुष्य परमात्मा के दरवाजे पर आ नहीं सकता। और जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए परमात्मा सब कुछ भूलकर उनके गले लिपट जाते हैं। जैसे सुदामा जी अपने साथ चूड़े ले गए थे, किस प्रेम से उसे उन्होंने खाया। हम लोग अनेक तरह के व्यवहार करते हैं खाने के मामले में, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस आदमी ने प्रेम से हमें कुछ खाने को दिया, वो चाहे कोई भी हो, वो प्रेम का पुजारी जो है यही परमात्मा स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप जो है वो है प्रेम। लेकिन आजकल धर्म धर्म में झगड़े, कोई कहेगा कि माँ अगर धर्म प्रेम है तो ये झगड़े क्यों होते। सारे संसार में जितने भी ये सद्गुरु आए हैं, ये सब एक पेड़ पर आने वाले अलग अलग समय पर फूल हैं। वो एक ही जीवन के पेड़ पर आए थे और पनपे थे, लेकिन जब हम उन्हें तोड़ कर ये हमारा और ये हमारा, उनके मरने के बाद जब जिंदा रहते हैं तो उनको सताते हैं हम, और अगर सताते नहीं तो उनको, उनका जो सताना है उसे देखते हैं। सारे साधु संतों को हमने सताया, अगर सताया नहीं है तो कम से कम जिस वक्त तो इतने तकलीफ में थे, हमने किसी ने तब नहीं कहा कि भाई क्यों साधु संतों को सता रहे हो, किसी ने उनको एक ग्लास पर पानी तक नहीं दिया। ये साधु संत इस दैवी पेड़ के फूल है, अब उनको तोड़ करके ये मेरा फूल है, ये तेरा फूल है, मेरा फूल तेरे से उत्तम है, ये तो फूल मर गए। उस मरी हुई चीज को लेकर के आज हम झगड़ा कर रहे हैं, जो फूल एक बार परमात्मा के आंगन की शोभा थे वो आज झगड़े का कारण हो गए। सो ये सारा धर्म जो है वो प्रेम का धर्म है, क्योंकि सारी शक्ति परमात्मा की प्रेम की है। अगर परमात्मा हम लोगों को प्यार न करते तो वो इस सृष्टि की रचना ही न करते। लेकिन हम अपने को प्यार नहीं करते हैं, हम अपने को झुटलाते हैं, अपने को कैद करते हैं, अपने ऊपर अपने ही विचारों को बांध करके कि ये मैं करूँगा, ये मेरा है, ये मेरा विचार है और यही सत्य है। इस तरह की धारणा ले करके हम जब अपने ही को किसी कोठरी में बंद कर लेते हैं तब दूसरे भी दूसरे कोठरी में बंद हो करके चिल्लाते रहते हैं। प्रेम में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, स्व का तंत्र जान जाता है। इसलिए धर्म ये प्रेम है। अब किसी किसी जमाने में ऐसा समय आया कि जहां हिंसा को भी करना पड़ा, जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन से कहा कि ये तो सब पहले से मरे हुए हैं और तू इन सबको मार। उन्होंने कोई आजकल की अहिंसा नहीं सिखाई कि कीड़े मकोड़ों को बचा के रखो। क्या मैं कीड़े मकोड़ों को कुंडलिनी जागरण देने वाली हूं? जो कीड़े मकोड़े बचाते रहते हो, उन्होंने कहा इनको मार, तेरे जो गुरु हैं उनको भी तुम मार। उस वक्त देखिए धर्म को समझना चाहिए पूर्णतः। उस वक्त आपको कर्ण का किस्सा मालूम है कि कर्ण का पांव जब रथ में अटक गया और अर्जुन ने अपना गांडी उसके ऊपर उठाया, उसने कहा देखो मैं वीर हूं और तुम भी वीर हो, और एक वीर पर निशस्त्र आप हमला नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तुम्हारी वीरता कहां गई थी, मार इसे। अहिंसा नहीं सिखाई थी, दुष्टों की हिंसा ही सिखाई। हम तो दुष्टों की तो अहिंसा करते हैं और भले लोगों की हिंसा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं
कि वो कहेंगे कि साहब हम तो कीड़े मकोड़े बचा के रखते हैं, लेकिन अगर किसी के घर पे कुड़की लाना है तो उसकी बीवी बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, उसका अगर अपमान करना है तो उसको कर देंगे, बेचारा अकेला कमाने वाला होगा उसको जेल भेज देंगे एक छोटे से रुपयों के पीछे। ये धर्म नहीं, यह अधर्म है। धर्म की व्याख्या इन लोगों से हमें समझना चाहिए। हमारे सामने ये अवतरण आए जिन्होंने हमारे अंदर ये चक्र तो बनाए, लेकिन इन्होंने हमारे सामने आदर्श भी रखे जिनको हमें समझना चाहिए। अब जो चक्र धर्म के बाद हमें जानना है वो है जगदम्बा का चक्र, जिसका अभी गायन हुआ था। जगदम्बा जो है वो इस हृदय चक्र में बीचों बीच बैठी हुई। ये हृदय चक्र 12 पंखड़ियों से बना हुआ। जब बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक जगदम्बा, क्योंकि उसका नाम भ्रमरम्बा भी है, आप जानते हैं कि वो भ्रमर बनाती है, इन भ्रमरों को अपनी जो सीने पर हड्डी है उसमें बनाती है, इसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं। ये 12 साल तक वो बना के तैयार कर देती है, और जब कभी किसी बच्चे पर कोई आक्रमण आता है तो ये भ्रमर उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। 12 साल बाद ये भ्रमर सारे शरीर में फैल जाती है। लेकिन जैसे कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो है, उसी प्रकार ये जो हड्डी है, इस हड्डी से ही उनको आदेश जाते हैं कि अब यहाँ लड़ो, अब ऐसी हमला करो, कुछ ज़रूरत है और इधर से लोग भेजो। ये हमारे अंदर होने वाले सारे आक्रमणों से लड़ते रहते हैं और कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं। ये चक्र विशेषकर औरतों का ज़्यादा पकड़ा जाता है, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं होता कि हमारी माँ जगदम्बा है, सर्वशक्तिमान, सबका पालन करने वाली, सबका तारण करने वाली जगदम्बा हमारी माँ है। पति ने ज़रा सा डांट दिया या कहीं कुछ चीज़ डर की बता दी तो औरतें डर के बैठ गई। जिस देश में पद्मिनी जैसी वीरांगना हो गई, उन वीरांगनाओं का आपके सामने स्वयं आदर्श है, वो तो जीवित आदर्श है इतिहास में। लेकिन आजकल की औरत जो है बड़ी डरपोक, और उसे आदमी भी ज़रूरत से ज़्यादा दबाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। उस वक्त उसका ये चक्र पकड़ जाता है और उससे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां ज़्यादातर होती हैं। ये चक्र आदमी में भी पकड़ जाता है, जब पकड़ जाता है तो वो डरपोक हो जाता है, बहुत डरता है, और छोटी छोटी बात में उसे डर लगता है, झिझक लगती है, हाथ उसके थरथराते हैं, पैर उसके थरथराते हैं, किसी भी काम में पड़ता है तो डरते रहता है। जगदम्बा ये शक्ति है। ये देखिए उस जगह बैठी हुई है जहाँ पर कि भवसागर में से लोग भक्तगण ऊपर आना चाहते हैं तो देवी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको मदद करके ऊपर खींच लेती हैं। आप जानते हैं कि देवी ने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया, आपके राजस्थली में भी उन्होंने सती रानी बनकर थोड़ी सी देर के लिए चमक दिखाई, और यहाँ के राजा लोग सभी शक्ति के पुजारी हैं। ये सब होते हुए भी एक तरह की भीरुता, डर मनुष्य में बैठा हुआ। सत्य को डर नहीं होना चाहिए। जो आदमी सत्य पे खड़ा होता है वो किसी से डरता नहीं, सारे संसार के सामने सम्मुख हो करके वो जो सत्य बात है उसे कहता है। 1970 में मैंने मुंबई में एक बहुत बड़े जहांगीर कावस जी हॉल में जितने भी राक्षसों ने जन्म लिया है उनका सबका नाम और उनका पहले का नाम सब बताया। किसी ने न मुझ पर केस करी और ना ही कोई मेरे ऊपर आफत लाए।
एक साहब ने कहा माँ आपको गोली से उड़ा देंगे। मैंने लाओ तो सही कौन गोली मारने वाला है, मैं देखती तो हूँ। थर 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 कांप उठेंगे। ये माँ की शक्ति होते हुए भी हम लोग इस कदर कायर और डरपोक हो गए। इसकी वजह यह भी है कि वीरता को हमने जाना नहीं, शूरता को हमने समझा नहीं और सत्य का हमने मान नहीं रखा। असत्य पे चलने वाले लोग डरपोक होते हैं। माँ सत्यवान लोगों की ही पूजा करती है और उन्हीं को संवारती है और उन्हीं की रक्षा करती है। तो यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ही अंदर श्री जगदम्बा का जब स्थान है उसे हम जागृत कर लेंगे। अनेक बीमारियां इस चक्र के खराबी से होते हैं। उसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं चक्र है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं। ये चक्र यहाँ राजस्थान में बहुत पकड़ता है। ये श्री राम का चक्र है। श्री राम का चक्र है जो कि पुरुषोत्तम है। एक तो लोग जो सरकारी चीज़ों से बहुत डरते हैं उनका ये चक्र बहुत पकड़ता है। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम ये एक आदर्श राजा थे और उनको जो लोग मानते हैं उनको किसी भी गवर्नमेंट से डरने की क्या ज़रूरत है। जब उनका साम्राज्य बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट से डरने की कौन सी ज़रूरत है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी तरह से अगर आप अपनी मर्यादाएं में रहें तो कोई भी गवर्नमेंट आप पे आँच नहीं ला सकती और वो आपको पूरे तरह से रक्षित रहने के लिए समर्थ है। इस चक्र को पकड़ने से मनुष्य को आस्मा की बीमारी हो जाती है। अब ये चक्र है पिता का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता स्वरूप है। ये पिता का है। अगर किसी पिता का अपने बच्चे से बिगाड़ हो गया या किसी बच्चे का अपने पिता से बिगाड़ हो गया या किसी तरह से पिता का जो स्थान है वो रिक्त हो जाए, जैसे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाए या पिता के तरफ से कोई भी तकलीफ हो या पिता बच्चे को उच्छृंखल बना रहा है, उसको बुरे रास्ते पर डाल रहा है, तब ये चक्र पकड़ता है। उससे आपके अंदर अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ठीक हो सकती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब अस्थमा वालों को मेरे पास लाइए। इसका मतलब है कि कुंडलिनी को जागरण करके पहले ये चक्र ठीक करें। जैसे कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो ये हुए। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ है। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं। ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा फिर दूसरा खराब होगा, आज एक बीमारी होगी फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहो भाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडली जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य यह समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं।
उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें यह समय दिया कि हम इस चीज़ में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ, यह है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियाँ जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियाँ हैं ये सब ठीक हो जाती है। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये भी बात सही है, जैसे मिसेस पर्दल ने कहा, बात सही है कि इनको अंजाना का ट्रबल था, 10 मिनट में ठीक हो गई, लेकिन ये जीव और है। इनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, उसमें से ये एक जीव अलग, उसे मैं क्या करूँ। कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से चक्र में दोष है, क्या चीज़ करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी इसमें। अब उससे ऊपर जो चक्र है, जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 है पंखुड़ियाँ हैं, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है, योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियाँ जानते ही हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज़ नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं, कोई चीज़ आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं, ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज़ का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पर ही होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं, उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी दो हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट कहें और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान, श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है, वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं, और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज़ समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फ़ोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फ़ोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं तब भी ये चक्र पकड़ जाता, या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता होता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है
और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ा जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियाँ वो और 16,000 और शक्तियाँ सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूके, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये तीन ऐसे पेंच बैठे हुए हैं, उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीज़ों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीज़ें दे करके किया जा सकता है। अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान है। इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत है। ये महाविष्णु का स्थान है और यहाँ और यहाँ जो दो स्थान है उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज़ को पूजेंगे, कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे, ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जाना। इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थी, ये बात नहीं थी, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें।
लेकिन जैसे कल आपने एक महाशय जी को देखा कि ध्यान करते, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ, यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कोई। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को लीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज़ की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पर चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी हैं, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूँ, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छिपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशरम जैसे लोग। ये क्या उन्होंने, महावीर जी ने ये कहा था? अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम, कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं, इनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ, उनके वो भाई चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरती हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरती हो गई। ऐसे सबको हो सकती उपरती। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूँगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहाँ से कहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो वो क्यों नहीं करते हो, ये सब मंदिर मंदिर बनाते हो। तो कह लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शूद्र सिद्धियाँ आ जाती है इसलिए। मैंने कहा देखो भाई, शूद्र सिद्धियाँ आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे, आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि ये महावीर जी का जो कहना है वही माता जी कर रहे हैं, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये, और बेकार की चीज़ों में अपना पैसा अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक नहीं। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह, ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ लीजिए। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताऊँ आपसे, महा गधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता, इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर हैं, कम से कम वो दिखाई देते हैं, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महागधे हैं। इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आइज, कि तुम्हारी आँख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा ना हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं है, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे जिसको मालूम है सो जानते हैं, क्या मत्स्यगंधा के लड़के थे ना,
एक मछियारिन के लड़के थे, शादी भी नहीं थी। वो व्यास जी के ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होना पड़ता है, यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज है। जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही। अब रही बात कि उसके तीन चक्रों के बारे में, मैंने बताया आपसे तीन जो यहाँ पर हैं कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये तीन आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी सात हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश, भूर्व अंतरिक्ष से बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया, उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते हैं भूर भुव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहां हम सब चीज को खा जाते, जहां अग्नि खा जाती, ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान हो गया। भूर भुव स्वाहा मना, ये माँ का स्थान, जगदम्बा का, जना जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे और इतना ही नहीं, विराट श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है, सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं और अब सहस्त्रार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती है। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है कहीं दूसरा अंग है। और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? इसे तो दोनों भी हाथ टूटी जाते हैं और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे, ये समझने की बात है। लेकिन हम सत्य को वरण करेंगे और सत्य के सिवा माँ हम किसी को नहीं जानेंगे, ये कहना चाहिए। आज चक्रों को किसी तरह से थोड़ा बहुत बताया है, सहस्त्रार पे कहने पर बहुत कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन इतने थोड़े टाइम में हम आज आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताएं। आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव है, वो कभी भी अवतरण नहीं लेते। उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है, और उनकी जो शक्ति इच्छा शक्ति है जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है। ये एक घटना है, ये होना पड़ता है, ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ आप पार हो गए, सर पे आप लगा घूमिए, साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने, इसे नहीं। जब यह घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। चित्त में आत्मा में आने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप माँ के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान ही जाऊँ। अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जानी जाऊंगी कि आप क्या। जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है। जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं,
बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफ़ी नाटक भी कर सकते हैं और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज गुरु महाराज। पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए 10 महीने पहले। ऐसे रोज ही क्या आपको, आप ज़रा अंदर आ जाइए क्योंकि वो क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर आ जाइए। बच्चों को भी कहें इधर से आ जाओ, झांकने कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह के रोज़ के अनुभव आते हैं कि आज एक बाबा जी आए, कल दूसरे बाबा जी आए, वो इतना रुपया लेके चले गए, वो आए वो इतना हमारे साथ धन धाने ले गए। सारे आजकल तो जैसे कुछ पता नहीं इनकी कहीं से, जैसे कि बरसात में मेंढक बोलते हैं इसी तरह से बाबा जी लोग आजकल सब जगह बोला करते। आज भी हमने देखे कि इनके एक बाबा जी उनके एक बाबा जी, जिस गांव में जाती हूँ नए नए बाबा जी सुनाई देते। तो आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। उसमें दो चीज नहीं, वो केवल है। उसमें दो चीज नहीं है कि जैसे कोई आदमी है उसको हमने देखा, ऊपर से हम कहे ना कहे लेकिन हम जान गए कि क्या है, जो जान गए सो ही सही है। आप कहेंगे कि साहब ये कैसे, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है और वो केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान, वो अज्ञान नहीं जानता। और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज ऐसी है, माने वो सत्य स्वरूप है, एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको जरूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सा इनका चक्र पकड़ रहा है, इनको कौन सी तकलीफ है, ये वो देखना पड़ेगा। बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते से आप बता देंगे। अब बहुत से लोग आते हैं, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई दिखाई दे रहा तुम्हारे पेट में कुमला रहा है, लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। अरे है, बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम, माने मेरा भी समय बर्बाद करो, अपना भी बर्बाद करो, इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विश्व का है, छोटी छोटी चीज में लोग अटक जाते हैं, क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते। इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर। आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया, ये कहाँ से आ गया। जैसे आज एक लड़की से हम बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की, बहुत जो आदमी सोचता है उसको लिवर की शिकायत हो जाती, क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती। नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं पैदा हुई तभी से मुझे। क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी। नहीं शराब नहीं, बाप मेरे शराब पीते थे। तो मैंने देखा यह है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लीवर बचपन से ही खराब होता है। तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते, उसका लीवर पहले ही बचपन से ही खराब होता है और पैदा होता है तभी से उसको जॉन्डिस हो जाएगा। अगर बाप शराबी है तो, अगर बाप का लीवर खराब है तो माँ का लीवर खराब है तो बच्चे का भी लीवर खराब हो जाएगा। तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए। अब उसका यह मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठिए, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी आप निर्विचार हो जाएंगे। ये जो विलंब का स्थान है इसको बढ़ाते जाना चाहिए, ये निर्विचारता बढ़ाती जानी चाहिए। उस वक्त आप शांत चित्त हो जाते हैं, आप में शांति आ जाती है। जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है। जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते हैं तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है। हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा। हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माँ पता नहीं कैसे हमको लगा कि इस दुकान में जाए यही मिल जाएगी तो वहां चीज मिल गई। हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाए, वहां एक सहयोगी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ पे एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा, चलो। कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी होती, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि बड़ा आश्चर्य होता। और सत्य को आप तत्व पे जानते कि तत्व कहाँ खराब है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर आपको कोई
उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते, आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए, उसके तत्व में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार तो पहले तो आपको ये ज्ञात हो जाता है, विदा हो जाता है, आपके उंगलियों पर विदा हो जाता है, आप वेद को जान लेते हैं कि ये सत्य क्या है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे, बैलगाड़ी में जाना पड़ता है कि, तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी तो हमने कहा ये तो कबीर बैठा गाड़ी चला रहा हमारा। अरे हमने कहा है सबने तुमने जाना कैसे? कहले माँ ये तो सब अंदर ही था ना, तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया। बात तो सही कह रहा हूँ ना? और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कमाल है तुम्हारी। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, ज्ञानेश्वर जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो अवतरण तो थे नहीं, लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान, जो केवल ज्ञान अपने अंदर है, उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते हैं। ये आपकी आत्मा की ज्योत है जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हैं और रस्सी को रस्सी देख सकते हैं। अनेक है इसकी चीज, अब इसका अभी बताने का इतना समय नहीं। तो ये सत है और चित्त भी है। आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है। जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में। जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूम रहा। उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसका चित्त सामूहिक होता है। जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है। माने आपका क्या प्रश्न है वो तो बताता ही, क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता है। और अगर आप ये भी जान ले कि ये कैसे ठीक करना है तो वो भी वो ठीक कर देता। इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज का नहीं। अब समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका, मैं तो डॉक्टर पेट का हूँ, तुम इसको दांत वाले के पास ले जाओ। उधर वो सारे दांत निकालेगा, कहेगा भाई तुम्हारा दांत ठीक है। उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा ये कान ठीक है। तीसरा आँख निकालेगा, कहेगा आँख ठीक है। अंत में आप बीमार होकर के लौट आइए, डॉक्टर लोग माफ करें लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है। माने ये कि एक आदमी आया, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब ये कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा इसको कोई पेट की दवा, पेट की दवा नहीं, इसके अंदर कोई और चीज आ गई है उसको निकालना है, इस पे किसी और का असर आ गया है वो निकालना है, कोई काली विद्या हो गई वो निकालना है। सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है। ये नहीं कि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके लिए उसके पास जाओ। ये तो बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस केवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक नातिन है, बहुत छोटी सी थी, उनके पिता माता गए थे लद्दाख में, तो वहाँ एक लामा जी भी ढामा जी होते हैं सारे, तो लामा जी बैठे होते सारे ऐसे ही हैं एक से एक बढ़ के, किस किस का नाम ले। तो लड़की छोटी सी थी, उसने देखा उनकी ओर तो सब पैर छू रहे थे, इन्होंने सोचा हम नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं दिख रहा, इन जाके पैर छुए तो उनको गुस्सा चढ़ गया। लड़की जाके उनके सामने खड़ी हुई, 5-6 साल की थी, ऐसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते हैं, आप क्यों सबसे अपने पैर छुआ रहे? ये खेलने हमारे तो काटो तो खून नहीं, एकदम उनके सामने कह दी उतरिए ऊपर से नीचे। 5 साल की लड़की ने कह डाला। एक प्रखंडानंदिनी, प्रखंडानंद जी कोई थे और महर्षि कौन उनका था, क्या नाम, जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े, वो बहुत बड़े पहुंचे गुरु थे, उनका 125 साल था, तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था, वहाँ पहुंचे। प्रखंडानंद जी बैठे थे, प्रखंडानंद जी बड़ा सा एक चोगा पहन के बैठे थे। दूसरी हमारी नातिन थी वो सामने बैठी थी,
वहाँ से कहती नानी ये जिसने मैक्सी पहना इसको भगाओ तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है, हम लोग सब जल रहे। वहाँ बहुत से सहयोगी थे वो भी हंसने लग। इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते हैं। उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। पर सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है, आपकी शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है, सब चीज़ अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज़ है वो है आनंद। केवल आनंद का आप निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या माँ इधर से कैसे चलाना वैसे, और जो सीधे साधे लोग होते हैं माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में। सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देख कर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी अरे बाप रे ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बन गया। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। समय की बात है, आज समय की ये बात है, और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं जो कुछ भी आपने सोच रखा है वो परमात्मा नहीं, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा को। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आँख से कि क्या चीज़ है इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आँख से देखें। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करें। आज आखिरी दिन है, नहीं हम तो क्या अब तो दो ही दिन रहने वाले थे, बाद में पता हुआ कितने भक्त लोग हैं। हमने तो सोचा जैसे पिछले समय कुछ हमारा सर खाने वाले लोग आए थे वैसे फिर आके सर ही खाएंगे, तो हमने कहा भाई दो दिन में चल लेते बनो अपना ठीक है, अब ऐसा ना हो कि जयपुर वाले कहें कि नहीं आए थे। कर फिर अगले वक्त आठ दिन आके रहेंगे मौज। आप लोग भी दिल्ली आइए, दिल्ली में अभी सात दिन का प्रोग्राम। कल से बेटे 12 खम्बा रोड पे शंकर लाल हॉल में कल से 7 बजे शाम को प्रोग्राम। मद्रास से भी लोग आते हैं, फिर जयपुर के लोगों को तो आना चाहिए। अब ये लोग तो कितने प्रदेश से आए हैं आप जानते हैं, हजारों मील से 370 आदमी आए थे। इनको सबको एक एक को चुन चुन के लाते हैं क्योंकि हजारों लोग हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था करना वगैरह बड़ा कठिन है। अब सब चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं जो आपके जयपुर आए। ऐसा था, मैंने कहा था कि कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के दे दीजिए, किसी ने भी मुझे प्रश्न लिख के नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रश्न नहीं रहा। अब अनुभव की बात है, सो हम फिर से आज कुंडलिनी को फिर से चढ़ाएंगे, और कल जिस तरह से किया था उसी प्रकार आज भी ध्यान करेंगे। डॉक्टर साहब ने आज सवेरे सबको समझा के बताया है कि चक्रों में किस तरह से गति करनी चाहिए, किस तरह से अपने को माँ का कवच देना चाहिए आदि। अब ऐसे भी लोग हैं
जिनके ऊपर काफ़ी बाधाएं हैं उनको श्रद्धा पूर्वक नम्रता पूर्वक उन बाधाओं को निकालना चाहिए और मेहनत करने से हर तरह के रोग ठीक हो जाते हैं, किसी में अधिक समय किसी में कम, मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ श्रद्धा और मेहनत। पार होने की कोई मेहनत नहीं, वो तो सहज में हो जाता है, लेकिन सबका नहीं। आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोग नहीं पार होते हैं, बड़ी मुश्किल कर देते हैं। उसका कारण ये है कि काफ़ी घुमाव फिराव जीवन में आ गया है। कोई हर्ज नहीं, हम तो पूरी तरह से मेहनत करने के लिए आए ही हैं और करेंगे। एक बात जान लेनी चाहिए कि परमात्मा के नाम पर कोई भी रुपया पैसा इकट्ठा करना महापाप है। ठीक है, मंदिर बना रहे उसके लिए पैसा करो इकट्ठा, समझ लीजिए या आपने बत्तियां लगाई इसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर लो, कोई हर्ज नहीं, पर आप चैतन्य को पैसे से खरीद नहीं सकते, उसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते। परमात्मा पैसा नहीं समझता, और ये सहज है। जितना मनुष्य सहज स्वभाव का होगा उतना ही वो जल्दी पाता है, और जो असहज होगा उसको कठिनाई से पाता है। और थोड़ा पानी। आज आप लोगों से विदा भी लेनी है, इसलिए मेरा एक माँ का हाल ये होता है कि हर जगह से जब जाती तो उसको लगता है कि अपने बच्चों को छोड़ के जा रही, तो एक तरह से दुख भी बहुत लगता है। बस ये है, अभी अभी अंकुरित किया है, अभी अभी आप नन्हे बच्चे ही हैं, इसको संभाल के रखिए, अपना ख्याल रखें और इसमें प्रगति करें। यह नहीं कि इसको आप छोड़ दें, इसमें प्रगति करें। जब तक बीज उगा नहीं तब तक ठीक है, उगने के बाद तो उसको ज़रूरी है कि वो कार्यान्वित हो जाए, अगर नहीं हो तो बेकार जाता है। अब आप कल जैसे बताया था मैंने कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, लेफ्ट और राइट ही मैं कहूँगी, जिससे कम से कम लोगों को सबको समझ में आएगा। अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है जो महाकाली की शक्ति है, और ये क्रिया शक्ति जो महासरस्वती की है, और जो मध्य मार्ग है वो महालक्ष्मी की शक्ति है। उनके बारे में आज मैं बता नहीं पाई सब देवियों के बारे में, क्योंकि समय नहीं था। जब समय होगा तो ज़रूर सब देवियों के बारे में, सीता जी, राधा जी आदि सब महालक्ष्मियों के अवतरणों का मैं वर्णन करूँगी। अब यह हाथ हमारी ओर करें, और यह हाथ जो है इसको इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें। यह हाथ पूरी समय हमारे ओर रहने दीजिए। इस हाथ को हमारी ओर इस तरह करके बीच में से उठना नहीं, जिसको जाना है कृपया चले जाए, किसी को जाना है चले जाए, 10-15 मिनट की बात है। और बीच में उठ करके दूसरों को सताना ठीक नहीं। इस वक्त ध्यान हो रहा है, ध्यान के वक्त गड़बड़ नहीं करनी किसी भी तरह की, मेहरबानी से याद रखें। जब किसी को नहीं करना है तो चले जाए, किसी पे ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती है, मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है भाई। इसमें मेरा क्या लेना देना बनने वाला है ये सोच लो। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर रहे, राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें। आज आत्मा की बात की है तो एक सवाल पूछना होता है, 3 बार आंख बंद करके फिर दूसरा सवाल पूछना होता है यहां पर, जिसको कि हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में, उसके बाद यही राइट हैंड आपको पेट पर निचले हिस्से में ले जाना होता है, फिर यही हाथ ऊपर लाना है यहाँ पर, फिर हृदय पे
उसके बाद ये राइट हैंड इस तरह से यहाँ पर रखना। अब बहुत से लोग इधर से रखते हैं, इधर से नहीं, इधर से रखना ऐसे जैसे हमने रखा। इसको जनेऊ जैसे पहनते उस तरह से। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पे रखा जाए और दोनों तरफ से दबाया जाए और फिर इस हाथ को पीछे की ओर ले जाके इस तरह से दबाया जाए और सर को पीछा फेंक दिया जाए थोड़ा सा बोझा देकर। उसके बाद तालू को बहुत तान लें और तलवे को तान करके तालू के ऊपर बराबर बीचों बीच यहाँ पर इस तरह से तान के उंगलियाँ रखें और इस तालू को इस तरह से दबा के इसकी त्वचा जो है चमड़ी है उसको दबा करके 7 मर्तबा हिलाएं, 7 मर्तबा जोर से। इतनी ही क्रिया मात्र है। अब आप आंख बंद कर लें तो भी कल लोग उल्टा ही हाथ चला रहे थे। अब ये बायां हाथ है और लेफ्ट हैंड। सो बायां हाथ आप पूरी समय मेरी ओर ही रखिए। अब जो राइट हैंड है जिसे दाहिना हाथ कहते हैं उससे क्रिया करने की है बाईं ओर, लेफ्ट साइड। एक छोटी सी बात समझ ली तो कोई इतनी परेशानी नहीं। अब आंख बंद कर लें, आंख न खोले, चश्मे भी उतार लें, आराम से बैठे सहजासन, थोड़ा फैल के सहजासन पर सीधे हो, शरीर सीधा हो, ना गर्दन बहुत आगे हो ना पीछे हो, बीचों बीच जैसे हम बैठे। अब पूरी समय ये हाथ हमारी ओर रहे, लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे ओर रहे, बाया हाथ पूरी समय हमारे ओर रहे। अब दाहिना हाथ जो है उसको हृदय पे पहले रखें। इस हृदय पे रख करके 3 बार सवाल ऐसा पूछना है कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ, माँ मैं क्या आत्मा हूँ, 3 बार सवाल पूछे। यह मूलभूत सवाल। अब यह राइट हैंड इसको कि हम दाहिना हाथ कहते हैं, इसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाई और माने लेफ्ट साइड पे दबा कर रखें। यह गुरु तत्व का सार जो आज मैंने बताया। इस जगह आप दूसरा प्रश्न मुझे 3 बार करें कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ, 3 बार सवाल करें। अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। अब इस हाथ को उठा करके पेट के निचले हिस्से में रखना, वो भी बाईं ओर, और यहां पर कहना होगा आपको, क्योंकि मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर पाती, न कर सकती हूं, यह शुद्ध विद्या का स्थान है जहां आप परमात्मा की शुद्ध विद्या, सच्ची विद्या, उनके कायदे कानून को जानते हैं। उस जगह आप मुझसे कहें कि माँ हमें शुद्ध विद्या कृपया दीजिए, अपने अहंकार को छोड़ के नम्रता पूर्वक कृपया माँ हमें शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसे 6 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं स्वादिष्टान चक्र में 6 पंखुड़ियाँ। अब इस दाहिने हाथ को
राइट हैंड को उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर लेफ्ट साइड में फिर से जहाँ गुरु का तत्व है रखिए। कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाने की वजह से उसको अब आपको दिलासा देना चाहिए, इसलिए कृपया यहाँ पर आप कहिए पूर्ण आत्मविश्वास से 10 मर्तबा माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, 10 मर्तबा कहिए माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। दस मर्तबा कही पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। अब गुरु तत्व का कोई दोष होगा इससे निकल जाएगा। अब 10 मर्तबा कहने के बाद ये अपना दाहिना हाथ राइट हैंड फिर से हृदय पे रखा जाए, हृदय पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा माँ मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये 12 मर्तबा कही हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं, माँ मैं आत्मा हूँ, शुद्ध केवल आत्मा हूँ, मन अहंकार आदि कुछ भी नहीं, शरीर आदि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ये महान सत्य है और इसी सत्य को आपको प्राप्त होना है। हाँ, 12 मर्तबा कही है और इसके बाद इस दाहिने हाथ को आप कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उसको पीछे हटा करके जोर से पकड़िए, जोर से। अब फिर से आप सामने से ले रहे हैं, आप ऐसा ना करें, ऐसे लें जैसे हमने कहा है जन, इस तरह से सामने से हाथ लें कृपया, इस तरह से, हाँ इस तरह कृपया, जोर से। ये विशुद्धि चक्र है, मैंने आपसे बताया विष्णु माया का चक्र है। इस पर आपको मंत्र कहना है माँ मैं पूर्णतया दोष रहित हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, ये 16 मर्तबा कहना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमात्मा दया करुणा प्रेम सबके सागर तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा क्षमा के सागर हैं, इसलिए आप अपने अंदर कोई सा भी दोष मत रखिए, विचार मत रखिए दोष का, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उनके क्षमा के शक्ति के आगे सारे आपके दोष धुल जाते हैं। इसलिए कहिए माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आई एम नॉट गिल्टी। बहुत बुरी तरह से चक्र पकड़ रहा है। जो लोग सोचते हैं कि अभी आप दोषी हैं, मैंने कल भी कहा था, वो 108 मर्तबा कहें कि मैं दोषी नहीं हूँ। अब भी अगर सोचते हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रसन्न चित्त अपने तरफ रहें, अपने को नीचे गिरा के कहना नहीं, शुरुआत में ही मैंने कहा अपने तरफ न्यूनता की भावना नहीं रखनी, आप तो सच्चे दरबार में जा रहे हैं ना, वहाँ का ये सब बातें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा जाए कि मैं दोषी नहीं हूँ।
सोलह मर्तबा कहा जाए अब यहाँ जो कि दाहिना राइट हैंड है उसको माथे पर आड़ा पकड़ के दबाइए दोनों साइड से। यह आज्ञा का चक्र जो है सामने और पीछे दोनों ओर होता है। यहाँ पर दोनों साइड में दबा करके और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इस पे तर्क वितर्क न करें कि हम तो नहीं कर सकते। असल में दोनों ही मिथ्या बात है, क्षमा करना और न करना। लेकिन अब क्षमा न करते वक्त आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं, इसलिए कृपया पूर्ण हृदय से कहें। कितनी बार की बात नहीं, पूर्ण हृदय से कहा है, कहिए माँ मैंने क्षमा कर दिया। आज एक महाशय के चैतन्य नहीं बह रहा था, मैंने कहा तुमने क्षमा ही नहीं की। जब उन्होंने तीन मर्तबा अपने हृदय से कहा कि माँ मैंने क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, एकदम चैतन्य बहना शुरू हो गया। तो कृपया अब उसकी तकलीफ और न दे मुझे। पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब इस दाहिने हाथ को सर के पीछे के हिस्से में पकड़ के सर को थोड़ा बोझा दे करके ऊपर उठा ले। इस जगह आप अपने समाधान के लिए बगैर दोषी बनते हुए या अपने पापों को गिनते हुए और दुनिया भर की चीज़ें सोचते हुए सिर्फ पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे प्रभु, हमने तुम्हारी शान में कोई गलती की हो तो उसे आप क्षमा कर दें। पूर्ण हृदय से कहें। उनके क्षमा की शक्ति को आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है। अब अपने हाथ के तलवे को तान लें और तलवा अपने सर के ऊपर बराबर बीचों बीच जहाँ पर आपका तालू भाग है, जो बचपन में एक नरम हड्डी की तरह था, उसे दबा लीजिए। दबाकर जोर से उसको सात मर्तबा घुमाकर आपको ये कहना होगा कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आपको स्वतंत्रता है। दबा कर जोर से दबाइए, उंगलियां ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, दबा करके पूरी उंगलियां खोल करके और दबाइए और सात मर्तबा बहुत जोर से उसको आप दबा कर घुमाइए सात मर्तबा। ये कहते हुए सात मर्तबा कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। अपना हाथ नीचे धीरे से ले और आंख खोल के देखे हमारी ओर। आप निर्विचार, कोई भी विचार नहीं आ रहा।
उस विलंब की स्थिति में आप हैं, इसे कि निर्विचार समाधि कहते हैं, वो स्थापित होगी। अब निर्विकल्प की स्थापना करनी है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है बस। अब ये हाथ जिसे कि हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, जो बायां हाथ है उसे हमारे ओर करें और राइट हैंड उसे भी हमारे ओर करें। अब थोड़ा सर झुका ले और जो राइट हैंड है जिसे कि आप बायां हाथ कहते हैं, उसे आप सर के ऊपर तालु भाग के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही है क्या। झुका लीजिए, जरा सर झुका के देखिए, थोड़ा सर झुकाई झुका के देखिए ठंडक सी आ रही क्या। झुका लीजिए, थोड़ा झुका लीजिए, गर्दन थोड़ी झुका लीजिए। हाँ, अब थोड़ा हाथ ऊपर उठा के देखिए, किसी किसी के बहुत ऊंचे निकलती है, यही कुंडलिनी ऊपर निकल आई, देखिए इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सलीलम 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 करी। हाँ, अब दूसरा हाथ हमारे ओर करें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें और अब फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखिए। किसी किसी के सर में थोड़ी गर्मी आई, कोई बात, किसी किसी को महसूस भी नहीं होगा, कोई बात, लेकिन देखिए कोशिश करिए। अब ये हाथ हमारी ओर करिए, फिर से राइट हैंड दाहिना हाथ हमारे ओर करिए। अब बायां हाथ सर पे रख के फिर देखिए, झुका के सर देखिए, चित्त यहाँ रखें, चित्त तालु भाग पे रखें और देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही क्या। आप कृपया दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे की ओर फेंक कर कहिए, माँ क्या ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, क्या ये उनकी प्रेम शक्ति है, क्या ये उनकी सर्वव्यापी कार्य शक्ति है। 3 बार सवाल पूछे। अब हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ इस तरह से करिए, देखिए हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ इस तरह से करें, अब देखिए हाथ में कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही। सर में भी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, फिर से देख लीजिए। अरे यही जागृति हो गई, कुंडलिनी जागृति हो गई, ब्रह्मरंध्र का छेदन भी हो गया है, किंतु एक बाल की जैसी छोटी सी कुंडलिनी की एक ही शक्ति किसी तरह से ब्रह्मरंध्र को छेद करके निकल आई। उसकी अनेक विध शक्तियां हैं, उनको जगाना है, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। सब लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं, हर इसको जान सकता है, बहुत ही आसान चीज़ है, सहज है। इसके लिए कोई रुपया पैसा देना नहीं, कुछ नहीं करने का, सिर्फ थोड़ा समय देना चाहिए। अंदर अत्यंत शांति विराजेगी, बहुत से लोगों की बीमारियां एकदम ठीक हो जाएंगी और बहुत से लोगों का जो व्यसन है कोई वो छूट जाएगा। जब भी आपको कोई भी व्यसन की याद आए तो आप हमें याद कर लीजिए, वो चीज़ छूट जाएगी। आज आप सबको छोड़ के जा रहे हैं, फिर ज़रूर 1 साल बाद आएंगे और आशा है कि आप सब लोग हमें फिर से बहुत बड़े वृक्ष के रूप में मिलेंगे, जो हम देख के कहेंगे कि ये संत जन है
जो पार हुए। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दे। जिन लोगों के जरा एक मिनट बैठ जाए, हाथ में ठंडक आई है, जरा बैठ जाइए, इतनी जल्दी नहीं, जरा बैठ जाइए, मैं तो अभी बैठी हुई हूँ। जिन लोगों के हाथ में ठंडक आई या सर में ठंडक आई, ऐसे लोग दोनों हाथ ऊपर करें। जिन लोगों के या तो सर में या हाथ में ठंडक आई, वाह भाई वाह, कमाल है, सबको प्रणाम हमारा। अब आपका पुनर्जन्म हो गया है और इस पुनर्जन्म का आदर करना होगा। आप सब अब ब्रह्म के ज्ञाता हो गए। क्या वो मंदिर भगवान की माता जी की सजनों, हम जयपुर वाले बहुत ही बहुत भाग्यशाली हैं, माता जी यहाँ पधार करके हमको ये सारा विधि बताई है। माता जी के हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। माता जी ने यहाँ के नागरिकों की आवाज़ पर, नागरिकों की इच्छा पर यहाँ एक केंद्र भी स्थापित किया है। शनिवार को सायंकाल 5 बजे जहाँ माता जी सरोजनी मार्ग 49C पे जहाँ विराज रही हैं, वहाँ सायंकाल शनिवार को होगा। रविवार को 9 बजे इसी स्थान पर प्रातः आपको, जो इनके बहुत ही इसी प्रकार से सीखे हुए शिष्य हैं, वो भी आपको मार्गदर्शन करेंगे। हम माता जी के बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि माता जी समय समय पर पधार करके हमको जो कुछ आज ये गाइडेंस दी है वो संभालते रहेंगे और हम लोगों को आगे का मार्ग बताते रहेंगे। जय गोविंद। और आप लोग फोटो लेते जाइए। देखिए, मैं एक बात कहना भूल गया था, ध्यान के लिए वहाँ पर आगे फोटो है माता जी की, वो आप जब कभी ये करें आपका ये अभ्यास, तो आपको फोटो वहाँ से मिलेगा, वो आप वहाँ से ले लीजिए। कीमत है, और जो कुछ मांगना है फोटो पर मांग लीजिए, फोटो सामने रखे आप उसका लाभ उठाइए। मंदिर चलना, रह गया था ना। वैसे वहाँ भी रहेगा घी नमक, आप आइएगा।
पास नमक वहाँ रखा रहेगा, आप लोग नमक लेते आना, चीनी लेते आना, चीनी लेते आना, वो आपको देते हैं। चीनी का उपयोग कैसे? चीनी भी खाने के लिए, आप आ जाइए शनिवार को, सब बता दो। और चीनी लेते हैं शनिवार को, खा रहे हैं हम दिल्ली में रहेंगे शायद, और अगर शनिवार को लंदन में। आप लोग आप